हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, एचपी टेट जेबीटी 2019 का 24 नवंबर का 2019 का हम लोग पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आपका मैथ का सेक्शन हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने जीके का अपलोड कर चुका हूँ, सेकंड पार्ट आपका मैथ सेक्शन है। मैथ सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पीडीएफ मिलने के वजह में आपसे एक छोटी सी विनती रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बस मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, मतलब आंसर की के हिसाब से क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। देखिए, 0.371 बार का बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा 368 के, ठीक है। और यहाँ पर एक दे रखा है डेसिमल, 0. something दे रखा है, अर्थात 100 का डेसिमल बनेगा। यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, 9 बनेगा, 990 बन जाएगा, ठीक है। तो 368 डिवाइड बाई 990, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, रूट ओवर 110 1/4 बराबर कितने किसके हैं, तो 10.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था जिसको आप इस प्रकार से कर सकते हो, 5.673 माइनस 4.327, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करने के बाद और इसको जो बचेगा इससे कट जाएगा, एक कट जाएगा ऊपर से और जो बचा हुआ होगा उसको कैलकुलेट करके आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर, 10, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 475 रुपये के 24% तथा 36% के में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 475 का 24%, ठीक है, 24% कितना होगा, तो यहाँ से देखिए कट जाएगा, पाँच कितना बार में कटेगा, 20 बार में, 5 को 20 बार में मैंने काटा। और इधर कितना बार में कटेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ 25 डायरेक्ट में काट रहा हूँ, 5 1 5, और यहाँ पर कितना आएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा 475। तो कैसे काटेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेते हैं, 5 8 5 9 45, और यहाँ पर 2 बजा, तो 5 5 95 में ये भी कट जाएगा। 95 में कटने के बाद 95 24 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी बचेगा उसका डिवाइड 20 से हो जाएगा और वो परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। वो परसेंटेज और इस परसेंटेज को बाद में हम लोग अंतर देख लेंगे, इसका अंतर मिलेगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चीनी का भाव 10% बढ़ गया है और एक गृहिणी चीनी की खपत में कितने परसेंट कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़ पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, 10% बढ़ा हुआ है, वो चीनी की मान लीजिए दाम है 45, मान लीजिए मैंने धरा बस एक्स पकड़ लिया है, उसका दाम बढ़ा है और कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है, ठीक है, 10% बढ़ा है, तो कितने बढ़ा है, एक्स बटा दस, तो जो भी बढ़ा है उसका एक 10%, ठीक है। तो क्या बढ़ेगा, मैं उस पर कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका खर्च ना बढ़ पाए, तो 9 1/11 ये आपका आंसर हो जाएगा। 11 9 90, ठीक है, सॉरी 11 9 99, 100 बाई 11, ठीक है, 1% इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1/64 फिर अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट के ऊपर में देखिए क्या लगाया, 6/4 को सरल करने के बाद 512 आ जाएगा, ठीक है, तो आराम से इसको कर सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करें तो नई संख्या का औसत क्या होगा, तो औसत निकालना था अपन से, ठीक है ना, परसेंटेज में निकालना था, इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 16/3%, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से आंसर नहीं आया, मान लीजिए यहाँ पर आपको 41/3 भी आया, तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। देखिए 16 3 39 और 2 41/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी आंसर हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो। 1 से 42 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो 22 हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 12 आम खरीद कर उन्हें 12 रुपये में 10 की दर में बेचता है, तो इस लेन देन में
उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात क्या होगा, तो 44% लाभ हो जाएगा। यदि 24 संतरे का क्रय मूल्य 18 संतरे का विक्रय मूल्य से बराबर हो तो लाभ परसेंट कितना ज्ञात करने पर कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो 32/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1, 2, 3 है। यदि थैले में कुल धन रुपये 60 हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करने के बाद फ्रेंड्स 100 आंसर हो जाएगा। 36 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 32 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 56 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने समय में एक राशि 12% वार्षिक दर से अपने से दुगुनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष में। कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 30 वर्षों में। ठीक है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या है फ्रेंड्स, तो सम ऑफ द एन नंबर्स, तो एन नंबर्स का सम बोलिए, तो बस यही फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन था कि यदि एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये 10th का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, आप 7-8 में भी हो तभी भी ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा 23। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 12 इज इक्वल टू 0 के हल हैं कितना होंगे, तो फ्रेंड्स इसको आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी फॉर्मूला लगाना है आपको, क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 12, तो 12 को कैसे कर सकते हैं हम लोग, 5-7 कर सकते हैं, कैसे, -5x। ठीक है, 5-7 करने से तो शायद नहीं आएगा आंसर, ठीक है 5-7 करने से तो नहीं आएगा, 4-8 कर देते हैं, ठीक है ना, 4 यहाँ पे 8 कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, 4-8, तो इसको जो बीच में 7 है उसको मतलब कैलकुलेट करना है, तो 12 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 2×6=12, 2×3=6, तो 3×2=6, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद 3×4 समीकरण आ रहा है। a³ + b³ - 3ab में क्या जोड़ें कि a³ + 4b³ + 4c³ प्राप्त हो, तो बस इसको कैलकुलेट कर देना है, जोड़ देना है इसमें, तो 2a³ + 3b³ + 4c³ + 3ab आ जाएगा आंसर। 12 - 14x² - 13x को 2x - +3 से भाग कीजिए करने पर कितना आएगा, मान लीजिए 2x + 3 से 12 - 14x² - 13x को भाग देने से 7x + 4 आ जाएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3⁰ - 5⁰ × 3⁰ - 5⁰, तो सरल करने पर ऑब्वियसली 0 आया, क्यों, क्योंकि ऊपर में नॉट लगा हुआ है। ठीक है, 8 दर्जन केलों का मूल्य 180 है, ठीक है 8 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये है, रुपये 30 में कितने किलो खरीदे जाएंगे, तो देखिए 16 केले खरीदे जाएंगे। यदि 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटे की चाल से गतिमान है, तब यह एक टेलीग्राम के खंभे को पार करने के में कितना समय लेगी, तो 9 सेकंड। दया और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु में 4:1 है, यदि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 14:5 हो जाएगा, तब पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो फ्रेंड्स 6 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a³ + b³ = कितने हैं, तो बराबर है किसके, a³ + 3ab (a-b). 5 अंकों की बड़ी में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 91 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो 9 9 9 1 8। ठीक है, 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो 25 हो जाएगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको यदि 12, 18 तथा 35 पर भाग दे तो हर दशा में 5 शेष बचे, तो 8 8 2 5। 4 घंटियाँ क्रमशः 3, 7, 12 और 14 मिनट के पश्चात बजती हैं, यदि वे प्रातः 10 बजे बजना आरंभ करें तो पुनः वह कब इकट्ठी बजेगी, प्रातः 11:24 पर। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुतम समापवर्तक क्या होगा, तो इसका लघुतम समापवर्तक होगा 20.3 लघुतम समापवर्तक अर्थात LCM। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और क्वेश्चंस का PDF पाने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।